నల్లధనం పై ప్రభుత్వం యుద్ధం చేయడం విపక్షాలకు నచ్చడం లేదన్నారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. పెద్ద నోట్ల రద్దు విషయంలో కేంద్రం అన్ని నిబంధనలు పాటించిందని చెప్పారు. కేబినెట్ ఆమోదం తర్వాతే ప్రధానమంత్రి ప్రకటన చేసినట్లు రాజ్యసభలో చెప్పారు పీయూష్ గోయల్. ऐसी परिस्थिति में सरकार ने यह निर्णय लिया और यह निर्णय पूरे कानूनी प्रावधान के हिसाब से लिया गया. रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया, उसको सरकार के पास भेजा और सरकार ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कैबिनेट में मंजूरी दी कि 500 और 1000 रुपए के नोट पुराने नोटों को रद्द किया जाए, नए नोट आए और हर एक ईमानदार को मौका दिया जाए कि वो अपना पूरा पैसा बैंक में 30 दिसंबर तक जमा कर सके. और ईमानदार पैसे पे तो कोई रोक नहीं है, जिसके पास भी ईमानदार पैसा है, अपने कैशबुक में बैलेंस होगा या अपनी पूरा कमाई होगी या अपनी बचत होगी, मैं समझता हूँ किसी को कोई रोक नहीं है अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालने में. रोक है तो बेईमानों के लिए है, रोक है तो भ्रष्टाचारियों के लिए है, रोक है तो जाली नोट रखने वालों के लिए. अब पूरे सदन में ऐसा कौन सा सदस्य है जो ऐसे प्रतिबंध पे भी एतराज कर रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई कदम भारत में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए एक कड़ी में लिया जाता है. हमने सबसे पहली कैबिनेट में एसआईटी बिठाई, एसआईटी के कई सुझाव थे, वो सब सुझाव को स्वीकार किया. जो कई वर्षों से कुछ राज्यों कुछ देशों से पैसा गलत तरीके से भारत में आ रहा था, टैक्स फ्री